आगे आगे ए गाड़ी टेम्पो ले 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 लूंगा सर, बैठ ले लो बैठ ले। सर क्या बोलो, सर क्या बोलना चाहेंगे? भाई कौन है ये, किस चैनल से हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ पूछिए। सर क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक तनावर दरख्त, एक सायेदार दरख्त, जिसके साये में फिल्म इंडस्ट्री पिछले 75 साल से पनप रही थी, फल फूल रही थी, आज वो साया चला गया। दिलीप कुमार एक एक्टर नहीं है, एक अदाकार नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि वो थे, मैं थे शब्द उनके लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। दिलीप कुमार जैसा एक्टर, दिलीप कुमार जैसा अभिनेता जिसने अपना काम काम समझ कर नहीं किया, उन्होंने हमेशा अपना काम तपस्या, आराधना, इबादत समझ के किया। इसीलिए उनके जो हजारों, लाखों, करोड़ों जो उनके प्रशंसक हैं, उनकी इबादत करते हैं, उनको पूछते हैं। कभी उन्हें पैसे की लालसा नहीं थी, कभी उन्होंने टीवी पर साबुन नहीं बेचा, कभी उन्होंने टीवी पर तेल नहीं बेचा, कभी शैम्पू नहीं बेचा। अगर उन्होंने कुछ बेचा तो कैमरे के सामने अपने टैलेंट को बेचा। लालच नहीं की, 250-300 फिल्में नहीं की, 75 साल के दौरान में सिर्फ 70 फिल्में की। इसे कहते हैं शख्सियत, इसे कहते हैं किरदार। आज के जो हीरोज हैं, किसी ने 250 कर ली हैं, किसी ने 300 कर ली हैं। डेडिकेशन क्या होता है, सिंसियरिटी क्या होती है, काम में रमना क्या होता है, ये सीखिए उनसे। ये वो सीख देकर गए कि मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, देखिए आज जमाना आया हुआ है, ये क्या कमाई के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू।